क्या कह रहे हैं? हम आपका घर खाली करवाने आए हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप होते कौन है हमारा घर खाली करवाने वाले? मैं उस बैंक का मैनेजर हूँ जिस बैंक से आपने लोन लिया था और जिसे सही समय पर आप चुकता नहीं कर पाए। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमने बैंक से कोई लोन नहीं लिया है। आप चाहे तो डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। विनो बताओ ना क्या लिखा है इसमें? 2 साल पहले बाबा ने इस घर को गिरवी रखकर लोन लिया था। अरे बाप होने के नाते कम से कम अपनी बेटी की प्रॉब्लम्स का तो ख्याल किया हो। अरे थोड़े से पैसे देने का मन नहीं किया बेटी को? अरे पूछो ना इनसे कि इतने सारे पैसों को क्या किया इन्होंने। इसे पूछने की जरूरत नहीं आई, ये सब कुछ हो रहा था और अब हर रोज शराब पीते थे। मैं आप सबको सच्चाई बता दी, आपको क्या लगता है रोज बाबा रात को दारू पीने जाते हैं? नहीं दादा, वो दारू पीने नहीं जाते हैं, वो रात को रेलवे स्टेशन पे रेलवे गार्ड की नौकरी करने जाते हैं ताकि इस घर में 2 पैसे आ सके, जो उन्होंने लोन लिया वो चुकता कर सके। मैंने आप पर शक किया, गुस्से में आकर पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल दिया मुझे। नहीं सुलोचना, ऐसा नहीं कहते। मानविया यहाँ बैंक वाले आ गए घर खाली करवाने के लिए और उनके साथ वकील और पुलिस भी है। मानव मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। तुम घबराओ मत अर्चना, मैं अभी आता हूँ। मानव जल्दी आएगा प्लीज। सर वो ऑर्डर के पैसे आप आज मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? सर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूँ कि पेमेंट पहले नहीं मांगना चाहिए, लेकिन सर बहुत ज्यादा अर्जेंट है, तो अगर कर दे तो सर आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा। सर मैं अजीत से बात करके देखता हूँ, हो सकता है वो हमारी मदद कर सके। कितने पैसे भरने हैं? अजीत अभी फिलहाल 2-2.5 लाख रुपए से काम हो जाएगा। सॉरी विनोद, इतनी बड़ी रकम इस वक्त मेरे पास नहीं होगी, लेकिन विनोद तुम फिक्र मत करो, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। अगर कहीं से पैसों का इंतजाम होता है तो मैं तुरंत तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है? ठीक है। आए तो शांत, देख सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा अर्जुन, तू देख रही है ना सब कुछ खत्म हो गया। तू इतनी खुदगर्ज कैसे बन सकती है? अरे इतना सब हो गया, तू सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही है? अरे ये क्यों नहीं समझती कि वो उसका परिवार है, उसके साथ जुड़ी है वो। रुक जाइए। कौन है आप और इस तरह कोर्ट की कार्रवाई में बाधा डालने का आपको क्या हक है? लीजिए आपके पैसे, अब ये कार्रवाई रोक दीजिए। पर ये तो सिर्फ 1 लाख रुपए का ही चेक है, लोन का अमाउंट तो इससे कहीं ज्यादा है। क्या पिछले 1.5 साल से बैंक के 18 इंस्टॉलमेंट बनते हैं, जो कुल मिला के 1 लाख रुपए के करीब आते हैं। अभी आप ये रख लीजिए, बाकी के पैसे भी हम चुकता कर देंगे बहुत जल्द। ठीक है, अभी इस चेक की बेस पर इस वक्त मैं कार्रवाई रोक रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बाकी की रकम भी आप जल्द से जल्द लौटा देंगे ताकि दोबारा ऐसी कार्रवाई ना हो सके। इतने सारे पैसों का इंतजाम तुमने कहाँ से किया? आपसे कहा था ना कि मैंने नया बिजनेस शुरू किया, ये पैसे वहीं से है। लेकिन अब क्या होगा, तुमने तो सारे पैसे उन्हें दिए, अब तुम्हारा बिजनेस वो कैसे आगे बढ़ेगा? मानो इससे तो तुम्हारी रोलिंग रुक जाएगी। अब तुम्हें जहाँ से माल की डिलीवरी उठानी है वहाँ भी तो पेमेंट करना होगा, वहाँ कैसे होगा? अरे नहीं घबराने वाली बात नहीं, मैंने पूरे पैसे नहीं दिए, मेरे पास कुछ पैसे बचे, मैं उससे काम चला लूंगा, घर बचाना ज्यादा जरूरी था इसलिए। पता नहीं मानो तुम्हारे इस एहसान का बदला हम कैसे चुका पाएंगे। इस घर का बेटा हूं ना, तो मेरा एहसान कैसा, मैं अपना घर बचा रहा था और मेरी नजर में इन पैसों से कहीं ज्यादा कीमती आप सबकी इज्जत है। पैसे तो फिर भी आ जाएंगे। तुमने आज हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है, तुमने बेटे होने का फर्ज निभा दिया, अब मेरी बारी है, बाकी का लोन मैं चुकाऊंगा और तुम्हारे पैसे भी मैं लौटाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम ये कहोगे कि पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। हमें भी तो ये एहसान चुकाने का मौका दे दो, विनोद की बात मान जाओ बेटे।